हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ X5 में क्रॉप एंड नाइफ टूल सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज दिया है, हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना रहेगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्रॉप के लिए इमेज लेंगे। सबसे पहले टूल बॉक्स में आपको ऑप्शन दिया है क्रॉप एंड नाइफ, जिसके लिए हमें इमेज लेनी रहेगी। इमेज के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए और इम्पोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इम्पोर्ट को हम कंट्रोल आई से भी ला सकते हैं। इम्पोर्ट पे क्लिक करते ही पिक्चर गैलरी खुल जाएगी। इसमें पिक्चर लाइब्रेरी में से आपको जो भी इमेज चाहिए, इमेज पे क्लिक कीजिए और इम्पोर्ट पे क्लिक कीजिए। अभी इमेज को वॉकिंग एरिया पर ड्रैग करके ड्रॉ करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज ड्रैग होके ड्रॉ हो गई। अभी हम क्रॉप टूल लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाएंगे और क्रॉप पे क्लिक करेंगे और आपको जितना एरिया चाहिए इमेज का, वहाँ पे आप ड्रैग करके ड्रॉ करिए और एरिया अपने पसंद से सिलेक्ट करिए। इस तरह से एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर आपको उतना एरिया रखना है तो एंटर प्रेस करिए या फिर इमेज के ऊपर डबल क्लिक करिए, उतना एरिया कट हो जाएगा। आप देख सकते हो उतना एरिया कट हो गया है। वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करके आप वापस भी ला सकते हो। इस तरह से वापस आ जाएगा। अगेन हम क्रॉप एरिया ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पे दिया है रोटेशन। आपको जितना परसेंटेज रोटेट करना है, जैसे हम 30 लिख रहे हैं, 30 क्रॉप रोट हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्रॉप यहाँ से 10 भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से 10 किया, उतना एरिया रोटेशन 10 ले लिया। अगर आपको इतना एरिया रखना है, डबल क्लिक करिए या फिर एंटर दीजिए। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मार्जिन्स भी दिए हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप्स भी दिए हैं। एंटर कीजिए और यहाँ से एरिया सेट करिए। आप देख सकते हो एरिया सेट हो गया। अगेन हम कंट्रोल जेड करके इमेज वापस ला सकते हैं। हम यहाँ पे क्रॉप एरिया ड्रॉ करते हैं। अगर एरिया रिमूव करना है तो प्रॉपर्टी बार में क्लियर क्रॉप मर्कवीज है, उस पर क्लिक करोगे तो क्रॉप एरिया रिमूव हो जाएगा। इस तरह से क्रॉप एरिया वर्क करता है। उसके बाद है नाइफ। नाइफ के लिए हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना रहेगा। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद हमें किस पोर्शन से नाइफ करना है, उसके लिए हम नाइफ टूल लेंगे। टूल बॉक्स में से हमने नाइफ टूल लिया और एरिया डिसाइड करके ट्रैक करके ड्रॉ करेंगे। इतना एरिया हमने ड्रॉ किया। अभी एरो टूल लेके हम दोनों पोर्शन को अलग अलग दिखा सकते हैं। आप देख सकते हो उतना दोनों एरिया कट हो गए, दो एरिया में रेक्टेंगल डिवाइड हो गया। उसी तरह से हम एलिप्स को भी डिवाइड करेंगे नाइफ करके। अगेन टूल बॉक्स में से जाके हम यहाँ से एक नाइफ टूल ले रहे हैं और यहाँ से हमने एरिया ड्रॉ किया। जैसे हमने यहाँ से मिडल में से पॉइंट ड्रॉ करके एलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एरो टूल लीजिए और यहाँ से देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरह से एक नाइफ टूल वर्क करता है। थैंक यू।